बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के रब से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम अरहम भट है और आप देख रहे हैं कैंपस डॉट पी के। आज बात करेंगे आपकी मौसम सरमा की छुट्टियों से मुतालिक, जो कि ख़त्म हो चुकी हैं। अब क्या आगे, क्योंकि सर्दी की शिद्दत जो है वो बढ़ रही है दिन ब दिन चारों सूबों में, क्या आगे नतज हैं, क्या चीज़ें होनी है, तमाम सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले आपने क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबाना है ताकि तमाम तर तालीम से रिलेटेड खबरें जो है तवातुर के साथ आप तक पहुंच सकें। अब बात करते हैं कि मौसम सरमा की छुट्टियां जो हैं सिंध के अंदर वो ख़त्म हो चुकी हैं। शहर कायद में भी स्कूल बाकायदगी से खुल चुके हैं, क्योंकि याद होगा 23 दिसंबर से 3 जनवरी तक जो थी वो छुट्टियाँ दी गई थी और आज से स्कूल खुल चुके हैं कराची में। और ये देखा गया कि सर्दी की शिद्दत की वजह से तलबा जो है वो बहुत कसीर तादाद में गैर हाजिर थे, तलबा की बहुत बड़ी तादाद जो थी स्कूल नहीं आई। सरकारी स्कूल्स में जो आज की जो हाज़िरी की पूरी जो लिस्ट थी वो तकरीबन ना होने के बराबर थी, लेकिन जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनमें जो हाज़िरी थी वो 70-65% रही। उसके साथ साथ हैदराबाद में भी देखा गया कि बहुत सी कसीर तादाद में तलबा जो है वो स्कूल नहीं आए गवर्नमेंट स्कूल्स में, लेकिन प्राइवेट स्कूल्स में भी 50-55% हाज़िरी रही। सक्कर में भी यही जो थी अदाद शुमार सामने हमारे आए, लेकिन क्या वजूहत हैं, क्योंकि सर्दी जो है वो बढ़ रही है दिन ब दिन। तो तलबा की ये इस्तदा है हुकूमत सिंध से कि हमारी छुट्टियों को बढ़ाया जाए, एटलीस्ट 10 जनवरी तक हमें छुट्टियां मज़ीद दी जाएँ ताकि ये सर्दी की जो लहर है ये कम हो जाए और ताकि हम आगे अपनी जो है तलीम की सरमियों को आगे जारी रख सकें। क्योंकि बहुत से ऐसे छोटे तलबा हैं जो कि स्कूल जाने इस सर्दी में जाने से कासर हैं, लेकिन हुकूमत सिंध का मौक़िफ़ सामने ये आया है कि हमारे अब मज़ीद छुट्टियाँ नहीं दे सकते, क्योंकि सईद गनी साहब ने पहले ही कहा था कि आपके इम्तिहानात जो हैं वो बर वक्त होने हैं, हर सूरत में आपके जो इम्तिहान हैं वो होने हैं। क्योंकि इस बार जो है शफकत महमूद साहब ने भी ऐलान किया है कि स्मार्ट सिलेबस नहीं होगा, क्योंकि वफाक की तरफ से उनको ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि आपके पेपर्स जो हैं वो पूरे होने हैं, ऑन टाइम होने हैं। अगर आपके पेपर्स और आपका सिलेबस कवर ना हुआ तो आप पेपर्स में अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, इसीलिए स्कूल्स को बर वक्त खोला जाए और ताकि तलबा जो है अपनी तलीमी सरगर्मियाँ जारी रख सकें। उसके बाद आपके सिलेबस को कवर करना है, फिर आप उसके बाद आपके बोर्ड के पेपर, प्री बोर्ड के पैटर्न पे पेपर होने हैं। तो ये तमाम तर चीज़ें जो हैं ये फैसला जो है इसको मद्देनज़र रख के किया गया है। तो अब आप सबसे गुजारिश ये है कि नया साल है, अपने आप को थोड़ा सा मोटिवेट करें और स्कूल जाएँ और अपने तलीमी सरगर्मियों को जारी रखें और अपने सिलेबस को बर वक्त जो है पूरा करें ताकि आप आगे अपनी जो तालीमी सरगर्मी है और अपने इम्तिहान हैं उसमें अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकें। स्पेशली मैट्रिक और इंटर के तलबा जो हैं आप लोगों को तो कमर कसनी चाहिए, अब आपके पेपर्स हैं और आपने अब स्मार्ट सिलेबस कोई नहीं है, वो अब चला गया दौर कि आपने 30 नंबर दे के आपको पास कर दिया जाएगा, अगर आप गैर हाजिर भी हैं आपको रियायत दे दी जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो खुदारा अब थोड़ा सा अपना दिखाएँ, थोड़ी सी लचक का मुतारा करें और आप जो हैं अभी जवान हैं और जवानी में तो इंसान मेहनत ज़्यादा करता है। उम्मीद करता हूँ आपको तलीम की जो खबरें हैं और तलीम से रिलेटेड जो आपकी छुट्टियों से रिलेटेड आपको जो पूरा आपका जो डायनामिक्स है वो समझ आ गई होगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि तमाम तर तालीम से रिलेटेड खबरें जो हैं तवातुर के साथ आप तक पहुँच सकें। अपने मेज़बान अरहम भट्ट को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने कहा।